डिवॉन लैरेट एक मल्टीवर्स जैसा कुछ वीडियो टाइप में लेकर आ रहे हैं। वो अपने पुराने वीडियो में क्या कहते हैं वो उनके करंट वीडियो से रिलेटेड होता है, और करंट वीडियो में वो अपने नेक्स्ट वीडियो का कुछ ना कुछ रिलेशन देते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, मार्च जैसे ही शुरू होगा डिवॉन लैरेट की वीडियोज, उनका रिप्लाई एलेवन के लिए वो माइंड गेम्स सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी, और वो हो चुकी है। और आज के वीडियो में हम यही वीडियोज को डिकोड करने वाले हैं कि उन्होंने अपने वीडियोज में ऐसा क्या कहा जो लेवान को माइंड मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। यहां पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी मेरी इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन भाई लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, मां शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज के वीडियो में हम डिवॉन के एकदम रीसेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे, उसमें उन्होंने लेवान के लिए क्या क्या कहा। सबसे पहले तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान की तरह अपना वीडियो स्टार्ट किए कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। जूडी लैरेट भी थी वहां पे, उनसे भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं उतने वेट्स नहीं उठा पाता हूँ। और धीरे 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 यही बोलते 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 वो चेंज हो गए अनलाइकली पे कि हाँ ऐसा नहीं होने वाला है, मैं जीतने वाला हूँ। सो डिवॉन लैरेट काफी ज्यादा अपना स्ट्रेंथ बढ़ा के रखे, उन्होंने कहा वीडियो में कि मैं अभी अपने स्ट्रेंथ के बहुत पीक फॉर्म पे हूँ, मैं जो भी वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे इंजरी नहीं हो रही है, मैं बहुत जल्दी हील हो जा रहा हूँ, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। सो ये सारी चीजें लेवान के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट थी कि देखो मैं इस बार हारने वाला नहीं हूँ, मुझे इंजरीज नहीं हो रही है, मैं बहुत अच्छे से हील हो रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीजें उठा रहा हूँ। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमें मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। लास्ट टाइम हमको पता है कि लेवान ने उनके वीडियोस देखना ही बंद कर दिए थे, उनको पता ही नहीं था कि डिवॉन लैरेट उनको क्या बोल रहे हैं, ही वाज मेंटली नॉट दैट प्रिपेयर्ड। इस बार हम देख रहे हैं कि लेवान खुद सामने से काफी ज्यादा स्ट्रांग और मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो काफी ज्यादा पोस्ट डाल रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग, वो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, बट डिवॉन लैरेट वो कम नहीं है। वीडियो खत्म होने से पहले उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहला तो ऐसा स्टेटमेंट था, इवन यू नो लेवान आई वाजंट गोइंग टू लूज द लास्ट मैच। अपने तो उन्होंने अपने पुराने वाले वीडियो में ऐसा कहा था कि मुझे अब बिलीव करना पड़ेगा कि मैं लेवान का वो वाला मैच हारा नहीं होता, मैं जीत चुका होता, मैं जीत सकता था वो मैच, अगर थोड़ा सा भी चांस मिलता तो मैं जीत जाता। तो ये वाले वीडियो में उन्होंने लेवान को डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज कहा है कि लेवान तुम्हें भी पता था कि वो वाला मैच मैं जीतने वाला था, मैं विनर। और उसके बाद में अगर अब लेवान इस वीडियो को देखे तो उनको मे बी ऐसा डिवॉन के अगर माइंड मेंटेलिटी में आ गए तो वो ऐसा सोचेंगे कि मे बी डिवॉन वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, और शायद से कुछ गलती हुई हो, शायद से मेरी गलती से वो जीते हो। सारा चीजें डिवॉन लैरेट ऑलरेडी खेलना शुरू कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता लेवान उनके कोई भी वीडियोस अब देखने वाले हैं, क्योंकि डिवॉन अपने माइंड गेम्स के पीक पर है, क्योंकि लेवान डेनिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, एंड जितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा डिवॉन को ये मैच जीतने के लिए, उससे ज्यादा उनको अपना माइंड गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे न्यूज़ आने वाले हैं। उसके बाद में एक और उन्होंने पॉइंट बोला कि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू लूज माय रिस्ट। इस बार जैसे उनका लास्ट टाइम रिस्ट खुल गया था, इस बार नहीं खुलने वाला है, इस बार वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में एंड वाला जो स्टेटमेंट था, अगर उसको लेवान ने सीरियसली ले लिया तब तो वो पूरा के पूरा इनके माइंड गेम के ट्रैप्स में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि यू माइट नॉट गिव गेट इवन अ वन। हमने स्टेटमेंट हमने कमेंट्स देखा है कि डिवॉन लैरेट को मतलब लोग पसंद करते हैं बट लेवान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट डिवॉन का ये स्टेटमेंट कि तुमको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा, यू माइट नॉट इवन गेट वन, सारे पॉइंट्स अपने पास लेकर जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर लेवान सीरियसली लिए तो वो इस माइंड गेम में बहुत गंदा ट्रैप होने वाले हैं। सो लेट्स सी
लेवान का क्या रिप्लाई होता है, रिप्लाई आता भी है या नहीं, और डेवॉन क्या अगले उसमें क्या को इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या कंटेंट लाते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि मेजरली आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हैं बट आप स्टिल उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि इससे हमको एक मोरल बूस्ट मिलता है। आज महाशिवरात्रि थी तो मैं सौरभ हम दोनों गए थे आज शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए। वैसे मेजरली हम लोग वीक में एक बार तो जाते ही हैं, साथ में नहीं जाए तो अलग अलग जाते हैं, बट आज कैसा हम लोग गए बैठे और कीर्तन उर्तन हो रहा था, कीर्तन में ज्वाइन किए, दूध चढ़ाए, काफी ज्यादा भक्त लोग आए थे, शिव जी के लिए मेडिटेशन किए हम लोग, तो काफी अच्छा एंजॉय हुआ। आप आगे के वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। उसके पहले प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ में। बाय। टीका चलो भाई, चलते रहो चलते रहो थोड़ा। अभी हम लोग है ना पियेंगे भांग। क्या बात है, वहाँ मिल रही है, वहाँ मिल रही है, वहाँ मिल रही है, मिल रही है, वहाँ मिल रही है। ओह भांग पीने के बाद वहाँ पे, वहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अभी मस्त गाना वाना बज रहा था, बंद हो गया। तो अभी इन्होंने भांग चढ़ा लिया है भाई, बहुत मस्त है। Yeah, yeah, yeah.